अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं प्रेस कर रही हूँ अरम का और हबीरा का यूनिफॉर्म। अरम को मैंने स्कूल के लिए उठा लिया था, हबीरा भी सो रही है। तो अभी मैं इसका यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी, इसके बाद हबीरा का। बच्चे रात को जल्दी सोते नहीं और सुबह जल्दी उठते नहीं हैं। अभी भी अरम आँखें बंद करके बैठा हुआ था, मम्मा थोड़ी देर बैठने दो, मम्मा थोड़ी देर बैठने दो, फिर तैयार हो जाऊँगा। तो मैंने कहा बेटा नहीं, वैन आ जाएगी, लेट बच्चे हो जाएगी रात आप। में लेट सोते हैं और सुबह। तो ये मैंने इनके प्रेस कर दिए। और हम जब जाएगा फिर बाद में हबीरा को तैयार करूँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ इनके लिए नाश्ता। कभी कभी तो करके जाते हैं तो कभी नहीं करके जाते हैं। तो अभी मैंने बना दिया इनको अंडा पराठा। हबीरा के लिए बना के रख दूँगी, जब उठेगी फिर खा लेगी। दोनों का एक साथ ही बना दूँगी मैं। तो इसके बाद मैं फ्राई करूँगी एग। तो अभी मैं एग डालने लगी हूँ। ये मैंने एक एग डाला, इसके बाद मैं दूसरा डालूँगी। इस टाइम टाइम भी बहुत कम होता है तो फिर जल्दी जल्दी दोनों का एक साथ ही डाल देती हूँ मैं। तो कभी कभी तो एक पराठा बना के दोनों को आधा आधा करके दे देती हूँ, तो कभी एक एक बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो बच्चों ने स्कूल जाना, फिर 2 बजे तक वापस आना होता है उन्होंने, तो मसला हो जाता है। हबीरा तो खैर पास में स्कूल में जाती है, इसका इतना मसला नहीं है। तो अभी मैं साथ ही दूसरा एग डाल लूँगी। अभी साथ साथ हम रेडी हो रहा था, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी नाश्ता बना लें, फिर साथ में बैठ के करेंगे। तो साथ में मैकरोनी भी गर्म होने के लिए रख दी थी जो मैंने कल बनाई थी। तो और हम बोल रहा था मम्मा मैंने साथ लेके जानी है वही लंच में। कभी तो हम पैसे ले जाता है कैंटीन के लिए तो वहीं से खा लेता है, कभी कभी लंच लेके जाता है। तो साथ में अभी ये एग और पराठा मैंने अरुण को दिया, मैंने कहा आप खाओ, फिर भी हबीरा जब उठेगी तो बाद में खा लेगी। तो अभी मैं ये मैकरोनी गर्म करके लंच बॉक्स में डाल रही हूँ। हबीरा तो बहुत कम खाती है, थोड़ा सा डाला था मैंने अरुण के लिए, ज़्यादा डाल दिया था, वैसे भी थोड़ी कम ही बची थी। तो साथ में मैंने दुकान से केक मंगवा के रख दिए थे एक एक। तो अभी मैं इनको पैक करके दूंगी। हबीरा को मैंने उठा लिया था तो बहुत मुश्किल से उठी थी, अब मेरे साथ बातें कर रही थी। तो ये इसे बस बहाना चाहिए कि मम्मा मैंने मिस मुझे मारती हैं, मैं नहीं जाऊँगी, मिस ये करती हैं, मिस वो करती हैं, मिस मुझे डांटती हैं। तो बस अभी वही बातें बता रही थी मुझे। तो मैं अभी इसे समझा रही थी, टीचरें डांटती होती, हमें भी डांट पड़ती थी स्कूल में। तो इसके बाद मैंने हबीरा को स्कूल भेजा, फिर अपना नाश्ता बनाया मैंने। तो कभी कभी मैं पराठा लेती हूँ और कभी कभी ब्रेड के साथ 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 चाय भी बना रही थी मैं, चाय भी रख दी थी, मैंने कहा चलो एक साथ ही कर लेंगे। तो ये है चाय, चाय रख दी मैंने। तो अब चाय डालेंगे कप में। तो ये है मेरा नाश्ता। आप लोग किस तरह का नाश्ता करते हैं मुझे बताना। तो इसके बाद मैंने रूम की सफाई करनी थी, तो ये रूम तो बिल्कुल साफ था। तो दूसरे रूम में हम सब लोग इकट्ठे सोते हैं तो उस रूम में थोड़ा गंद होता है, तो बिखरा हुआ था वो, फिर मैंने उसे सेट किया। ये देखें कितना फैला हुआ है, बच्चे कभी ऊपर कभी नीचे बैठ के फिर ऐसे करते रहते हैं, चादर इकट्ठी हो जाती है। तो अभी ये मैंने नीट कर लिया है। तो इसके बाद अरहम भी उठ गया था, अरहम और फबीहा ये बैठे कार्टून देख रहे थे।
अजलान तो खैर अभी छोटा है, उसे बैठना भी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा बैठना आता है। तो हबीरा बैठ फबिया बैठी हुई साथ देख रही थी, तो टीवी लगाया हुआ था इन्होंने, ये लोग देख रहे थे। और साथ साथ मुझे बता रही थी मम्मा ये जिन ने ये हुआ। अभी इसको भी स्कूल में एडमिशन करवाना है, सब बोलते हैं बड़ी होगी, अभी एडमिशन नहीं करवाया, तो इसका भी करवाएंगे इंशाल्लाह जल्द। तो ये अजलान मेरा शहजादा, बस यही होता, बस मेरे साथ बातें करो। तो इससे बातें कर रही थी साथ साथ, साथ साथ मैं काम भी करती जा रही थी। तो चाय थोड़ी सी बच गई थी, मैंने कहा चलो बच्चे आएंगे उसे उनको दूंगी, तो फिर मैंने वैसे ही रख दी थी। बाकी बर्तन मैंने धो लिए थे। इसके बाद मैं अभी अजलान की मालिश करूंगी, तो इसकी मालिश कर रही थी। मालिश करते हुए बहुत खुश होता है ये, मालिश रोज़ तो नहीं करती, खैर 2-3 दिन बाद एक बार, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद ऐसी मालिश होती है इसकी। बस 4 बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन काम करते करते गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो कुछ ऐसे क्लिप हैं जो मैंने ऐड नहीं किए थे, अभी इसकी मालिश करके इसको उन्हें हिलाऊंगी। तो ये फबिया पास बैठी हुई थी, तो जब ये देखती है ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आगे से ड्रामे करने शुरू कर देती है, मुझे डरा रही थी। कंप्यूटर में जो कुछ देखती है वैसा करना शुरू कर देती है। अभी ये अजलान है, अजलान को मैंने हिला दिया था, तो अभी ये फ्रेश हो गया है। फ्रेश होने के बाद बहुत खुश होता है। अब इसे ये था बस मुझे फ़ौरन सुला दे मम्मा, नहाने के बाद सोने का बोलता है मुझे सुला दो बस। तो मैंने अभी इसको कपड़े चेंज करवाने, तो इसके बाद मैं इसे सुलाऊंगी। तो अभी मैंने इसको ये रेडी कर लिया, इसको फीडर भी दे दिया है, थंब दिखा रहा है अपना। फीडर पीते हुए भी हंसता है, स्माइल कर रहा था। तो अभी माशाल्लाह ये फीडर पी रहा है, खुद ही अभी पकड़ना शुरू हो गया है। तो साथ साथ मैं बच्चों को भी संभालना पड़ता है, साथ साथ काम भी करना पड़ता है। मेड तो रखी हुई थी पहले, अभी खैर छोड़ दिया उसने, अभी खुद ही करना पड़ता है। और इसके बाद मैं अभी बना रही हूँ बिरयानी। बच्चे बोल रहे थे मम्मा बिरयानी खानी है, तो मसाले बहुत कम थे, मेरे पास दही भी नहीं था, तो हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मैंने कहा चलो जो भी मसाले हैं पास उनके ही बना लेती हूँ। तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज डाले थे और थोड़ा सा लहसुन डाला था। ये कम मसालों में बनाई थी मैंने, फिर भी बहुत मज़े की बन गई थी। ये प्याज ब्राउन करके मैंने चिकन ऐड कर दिया इसमें, इसको फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये कर लिया हमने इसका कलर चेंज। तो अभी मैंने इसमें ऐड किए 2 टमाटर और हरी मिर्चें। तो मेरे पास मसाले बहुत कम थे, अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। तो यहाँ मैंने चावल बॉईल होने के लिए रख दिए थे साइड पे, साथ साथ वो भी बॉईल हो जाएंगे, साथ साथ ये भी रेडी हो जाएगा मसाला भी। तो अभी इसमें ऐड करूँगी मसाले, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया था, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी और 1/2 टीस्पून रेड मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था नमक। तो अभी ये मसाला रेडी है, हल्के मैंने इसको ढक के रख दिया था। तो ये मैंने चावलों की तह लगाई नीचे, इसके ऊपर मैंने इसकी मसाले की तह लगाई है। अभी मसाला डालेंगे और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी चावल। तो ये दम के लिए रेडी है। तो इसके ऊपर मैंने डाला थोड़ा सा बिरयानी मसाला और ऊपर मैंने ज़रदा कलर ऐड किया। तो ये है इसकी फाइनल लुक,
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यमी बने थे। तो आप भी अगर आपके पास भी कम मसाले हैं तो आप भी ऐसे कोई केजी बना सकते हैं। ये तो इजी वाली रेसिपी हो गई, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी। तो फिर बच्चे आ गए स्कूल से, स्कूल से नहीं खैर स्पार पढ़ने गए हुए थे मदरसे, वहाँ से आए फिर हमने मिलके खाया बैठ के। तो ये फबिया डलवा रही थी, इसको बस ये होता है कि मुझे ये वाली बोटी दो ये वाली दो, इसको चिकन पसंद नहीं आता इतना तो नखरे करती है। तो मैंने दो डाल दी थी, मैंने कहा जो भी पसंद आएगा खा लेगी। बस इसके बाद क्या, अभी बर्तन जमा हो गए थे, तो आपको पता है बिरयानी बने और बर्तन ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद मैंने बर्तन धोए, साथ साथ चाय रख दी थी मैंने। तो हस्बैंड को तो यही होता है कि बस खाना खाया फ़ौरन चाय दे दो मुझे, तो साथ साथ मैं चाय भी रख ली मैंने, साथ साथ बर्तन धो लिए। तो मेरी तो चाय ठंडी हो गई थी। ये छोटा कप मेरा और बड़ा वाला हस्बैंड का था। तो इसके बाद मैंने अजलान के साथ खेला, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।